सम्मोहन क्या है? सम्मोहन में सात्विक वृत्तियों से उत्पन्न श्रद्धा का ये सबसे बढ़िया परिणाम है। अब की बार जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अधिकांश लोगों ने इसका अनुभव भी किया था, बेसुध कर देने वाले ये पल सामान्य नहीं होते। ये कल्पना की भाव दशा की पराकाष्ठा है। वस्तुतः अंतरात्मा के तार हमारे पूर्वजों से जुड़ जाते हैं। शरीर रोमांचित और पुलकित हो जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। समय ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए मानो ठहर से गए हैं। इस सब का हमने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अधिकांश लोगों ने इसका अनुभव किया था। इस सम्मोहन के लिए हमें तंत्र और मंत्र की जरूरत नहीं है, प्रेम की आवश्यकता है। जब लौकिक प्रेम से ही आदमी पागल हो जाता है तो अलौकिक प्रेम की तो बात ही क्या। सो यही सम्मोहन की स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है जिसे हर कोई अनुभव कर सकता है। आपके कोई कमेंट्स हो जरूर दीजिए। क्या मैंने इस परिभाषा को ठीक से व्यक्त किया कि नहीं?